सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन. द डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर इन सच अ वे टू फॉर्म अ लार्जर पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है ना उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है. ऑर्गेनाइजेशन कहने का ये मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनी होती है. ये छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन करके एक साथ एक बड़े और लार्जर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी सेल्स की बनी होती है. ये सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू फिर आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं एंड ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाती है. एंड लास्टली ये ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलके एक पूरे होल ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है. तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ यानी उसमें एक वर्गीकरण हुआ. ठीक है, उसमें एक अरेंजमेंट हुई. कैसी अरेंजमेंट हुई? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड लास्ट में हमारा एक होल ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है. तो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उसे हमने यहाँ पे सेल कह दिया. लाइक यहाँ पे जो स्मॉलर यूनिट्स लिखा है इसका मतलब हो गया सेल. और ये जो सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं फिर टिश्यू ऑर्गन्स बनाती है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. इस तरीके से यहाँ पे जो लार्जर यूनिट्स होंगी उसे हम समझ लेंगे कि ये ऑर्गन्स हैं. ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट्स का मतलब हमारा हो गया सेल्स टिश्यूज और जो लार्जर यूनिट्स का मतलब हो गया उससे मतलब हो गया ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो इसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्गीकरण है, एक अरेंजमेंट है. कैसा अरेंजमेंट? तो सेल्स, सेल्स को मिला के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उससे फिर होल ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके की अरेंजमेंट को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग बींग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. इसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंस की वजह से हम लिविंग बींग्स को क्या कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स. ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स आपस में मिलकर एक लार्जर यूनिट बनाए उसे हम कहते हैं अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसी ऑर्गेनाइजेशन की मौजूद होने की वजह से हम लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म की वो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स. हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं. ये सेल्स एक दूसरे से शेप साइज में और फंक्शन में काफी अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं विच वर्क टूगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब होता है मिलके काम करना. ठीक है, जैसे कोई एक टीम बनाया हमने और उस टीम को एक प्रोजेक्ट मिला. ठीक है, जैसे हम स्कूल में बच्चों को एक प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम बच्चों का टीम बना देते हैं. ठीक है, 8 या 10 बच्चों का हम टीम बना देते हैं कि आप सब मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो. तो उस प्रोजेक्ट में हम उसे कुछ काम दे देते हैं, आप बायोलॉजी का कोई मॉडल बनाइएगा या फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई मॉडल, कोई डायग्राम अच्छा सा बना के रखिएगा. तो वो सारे बच्चे एक साथ मिलके उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, सब मिलके मेहनत करते हैं. तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये जो सेल्स होते हैं ना वो भले एक दूसरे से फंक्शन में और शेप साइज में डिफरेंट हो लेकिन वो भी एक साथ मिलके हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में. ठीक है, टू फॉर्म दी टिश्यूज एंड टिश्यूज अगेन मेक दी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स मेक दी ऑर्गन सिस्टम. इस तरीके से क्या होता है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाती है और लास्ट में क्या होता है एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाती है. इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट फंक्शन जो है वो कैरी आउट हो रहे होते हैं. ठीक है, अगर हम इसे डायग्राम की मदद से समझे तो यहाँ देखिए एटम्स एंड आयंस. एटम्स और आयंस मिलके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिलके सेलुलर ऑर्गेनल्स बनाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइलोरोम्स, गोल्जी एपरेटस. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाएंगे.
फिर वो सेल और ऑर्गेनल्स आपस में क्या होते हैं, सेल के अंदर मिल जाते हैं, तो ये सब मिलके सेल्स बनाते हैं। देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यूज बनाएंगे, और टिश्यूज ऑर्गेन्स बनाती है, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर जिसे हम ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये सब लास्ट में फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको अपने अपने जगह तक पहुंचाना, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, उसका सर्कुलेशन करना। एक्सक्रिएटरी सिस्टम जिसमें किडनी आती है और बहुत सारे ट्यूब्यूल्स आते हैं, और उसके जो सेल्स होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, उसका काम होता है कि हमारे बॉडी में से जो हार्मफुल और यूजलेस सब्सटेंस है उसको फिल्टर आउट करके ब्लड से बाहर करना, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑर्गेन सिस्टम होते हैं जो लास्ट में एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं बॉडी में, तभी जाके ऑर्गेनिज्म एक सर्वाइव करता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है अरेंजमेंट है, छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स आपस में मिलके बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं, और ये छोटे यूनिट्स एक साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एटम्स आयंस मिलके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके सेलुलर ऑर्गेनल्स बनाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स मिलके सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज अगेन ऑर्गेन्स बनाती है, और ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम्स बनाते हैं, एंड लास्टली हमारा ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे सर्वाइव कर पाता है। सो दिस होल सिनेरियो इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया है इसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद होने की वजह से हम क्या नाम दे दिए हैं लिविंग बींग्स को, ऑर्गेनिज्म। ओके, थैंक यू सो मच। If you have any doubt and question regarding my lecture, you can ask me in the comment box. I will definitely answer them. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel so that you will get the notification for the upcoming videos. Thank you so much.